सामने जो आप चित्र में देख रहे हैं ये 12 वोल्ट 7AH बैटरी चार्जर है, जो रेलवे में सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्रोल कम्युनिकेशन में स्टेशन मास्टर के पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल पे एसटीएम और मक्स को उपयोग करते हुए हम 4 वायर कंट्रोल कम्युनिकेशन या 2 वायर कम्युनिकेशन कंट्रोल कम्युनिकेशन हम लगाते हैं, उसके सिस्टम को चलाने के लिए स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जो 4 वायर कंट्रोल फोन होता है तथा WSC वे साइड सिलेक्टर होता है उसको सप्लाई देने के लिए हम एक सप्लाई सोर्स लगाते हैं, जिसके लिए कि सप्लाई न होने पे, बिजली न होने पे उसको बैकअप हम पावर दे सकें। इसके लिए हम 12 वोल्ट 7AH का एक बैटरी चार्जर लगाते हैं, जिसके अंदर एक 12 वोल्ट 7AH की बैटरी होती है। बिजली आते समय के दौरान ये बैटरी भी चार्ज करता रहता है तथा WSC को वे साइड सिलेक्टर को सप्लाई भी देता रहता है, और इन केस ऑफ पावर फेलियर बिजली जब चली जाती है तो इसके अंदर जो बैटरी रखी हुई है उसकी सप्लाई ये WSC को देता रहता है, जिससे कंटिन्यूस अनवरत रूप से हमारा कंट्रोल कम्युनिकेशन बिना बाधा के चलता रहता है। इस SMPS का आप सामने से फ्रंट पैनल देख रहे हैं, ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपका, इसमें ये ऑन ऑफ स्विच है, जो इसको ऑन करते समय AC मेंस ऑन करते समय इसको ऑन या ऑफ करते हैं। इसके साथ ये आपका ये फ्यूज है, 2 एम्पियर का AC फ्यूज है, 2 एम्पियर का AC फ्यूज है। अगर ये AC फ्यूज ब्लो हो जाता है या जल जाता है तो ये इंडिकेशन इसमें आ जाता है, लाल इंडिकेशन आ जाता है। ये लाल इंडिकेशन जलता रहता है, ऑफ हो जाता है अगर ये ब्लो हो जाए तो। इसके बाद हमारे पास एक और फ्यूज है, ये DC का फ्यूज है, ये भी हमारा 2 एम्पियर का है, और इसके साथ ये आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, और इसमें ये बैटरी का दिखाता है, बैटरी अगर ओके है तो ये जलता रहता है, ये बैटरी लो है तो ये जल जाता है, और ये DC आउटपुट ऑन है, DC अगर आउटपुट ऑन है तो ये दिखाता रहता है। और इसके बाद ये शॉर्ट सर्किट के केस में, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कोई, अगर इंटरनली इसके SMPS के अंदर शॉर्ट सर्किट है तो ये इंडिकेशन जल जाता है। उसके बाद ये अगर हमने बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया है या रिवर्स कर दिया है तो ये इंडिकेशन हमारा जल जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये 6 फ्यूज हैं, 6 आपके इंडिकेटर्स हैं और 6 टर्मिनल्स हैं। इसका मतलब इस पे हम 6 WSE, मतलब जो 12 वोल्ट 7AH लोड वाले WSE हैं, 6 को 6 हम जोड़ सकते हैं। अगर किसी कारण से किसी पे कोई फ्यूज ब्लो हो जाता है, फ्यूज जल जाता है तो उसका इंडिकेशन जल जाता है, बाकी अन्य स्थिति में ये फ्यूज नॉर्मल रहता है। इस तरह से हम देख सकते हैं किसी स्टेशन पे जाने के बाद, पहले अगर हमारा कंट्रोल फेलियर्स है और हमें पावर सप्लाई का फॉल्ट लग रहा है तो हम ये सारे इंडिकेशन को देखने के बाद हम जज कर सकते हैं कि किस तरह का फेलियर हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसको खोल दिया है, ओपन कर दिया, ढक्कन हटा दिया इसका। इसमें एक 12 वोल्ट 7AH की बैटरी है, और इसके अलावा ये इसके लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए, चार्ज फ्लोट में चार्ज करने के लिए और साथ साथ कंट्रोल कम्युनिकेशन के WSE को चलाने के लिए ये बैटरी को चार्ज भी करता रहता है और कंट्रोल कम्युनिकेशन WSE को सप्लाई देता रहता है। इसको हम जरा खोल के आपको दिखाएंगे, बता दो इसको हम ये चेक करने के लिए कि क्या इस जो हम सामने प्लेट है, जो PCB है, इसको AC मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके लिए हम इस टर्मिनल पे मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं कि क्या हमें 220 या 230 वोल्ट AC या हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ प्राप्त हो रही है, इसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं। इसके बाद AC सप्लाई MOV पे MOVR पे आती है। MOVR भी कई बार ऐसा होता है फ्लक्चुएशन की वजह से MOVR भी उड़ जाता है, ये फट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये रेजिस्टेंस, ये 2 वाट का रेजिस्टेंस है और ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये सप्लाई इस पे आती है, इसके थ्रू के बाद ये चोक पे आती है। इस तीनों चीज पे यहाँ आने के बाद ये आगे इसके स्टेज में, इसको हम पीछे से देख सकते हैं कि ये इसके कहाँ कहाँ पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। ये 230 वोल्ट AC आएगा इस पे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके बाद ये चोक के इनपुट है और ये आगे आउटपुट है,
ये आउटपुट है, ये इनपुट है और आउटपुट है। इन सभी पे 220 या 230 वोल्ट एसी हमें प्राप्त होगी। ये रेक्टिफायर इनपुट है और ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। डीसी हमें यहाँ पे डीसी 300 वोल्ट, डीसी 300 वोल्ट ध्यान दीजिएगा, डीसी 200, डीसी 12 वोल्ट नहीं, डीसी 300 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। जो हमने पीछे के जो रेक्टिफायर पॉइंट दिखाया था, ये देखिए सामने ये सारे ये रेक्टिफायर जो पीछे से हमने दिखाया था आपको, ये फिल्टर कैपेसिटर है, इस पे भी हमें 300 वोल्ट मिलती है, 300 वोल्ट डीसी, इस पे भी हमें 300 वोल्ट डीसी मिलती है। ये स्विचिंग कंट्रोल आईसी है जो स्विचिंग को कंट्रोल करती है। ये पल्सेटिंग डीसी जो हमें पल्सेटिंग डीसी 300 वोल्ट प्राप्त हो रही है उसको ये कंट्रोल करती है। इसके बाद ये इस ट्रांसफार्मर में जाती है, जो 300 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी है वो 12 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी में हमें प्राप्त हो जाती है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हमें जो 12 वोल्ट हमें एसी मिल रहा है इसमें, इस ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट एसी या पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है उसको ये रेक्टिफाई करता है, ये डीसी बनाता है उसको, यह रेक्टिफायर है। ये दोनों फिल्टर कैपेसिटर है, इनपे 12 वोल्ट डीसी को फिल्टर करने के उपयोग में लाया जाता है। ये सामने, इसके बाद हमारी जो 12 वोल्ट आती है इस पे आती है, जो उस डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है, अपर लिमिट को रेगुलेट करने के काम आता है, अपर लिमिट बढ़ने नहीं देता है, अपर लिमिट को कंट्रोल करता है। ये रिले है, आप देखेंगे कि जब भी हम इसे किसी एसएमपीएस को ऑन करते हैं तो हमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद ही ये रिले ऑपरेट होती है, तो ही ये फंक्शन में आता है। अगर हमारी बैटरी कोई डिस्चार्ज बैटरी है जिसकी वोल्टेज 11 वोल्ट से कम है तो ये रिले ऑपरेट नहीं होती है और ये आपके इससे आप आउटपुट नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि एसी आ रही है फिर तो ये फंक्शनिंग में रहेगा, लेकिन आप एसी चली गई उसके बाद ये ऑन नहीं होगा। उस कंडीशन में हमें आवश्यक है कि हमारी जो बैटरी हम इसमें जो लगा रहे हैं कम से कम 11 वोल्ट हो, अगर 11 वोल्ट से कम नहीं है तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी और ये एसएमपीएस ये काम नहीं करेगा। ये सामने ये प्रीसेट दिखाई दे रहा है, ये कट ऑफ वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बैटरी 11 वोल्ट से नीचे चली गई तो आउटपुट देना बंद कर देता है, तो इसी से इसको एडजस्ट किया जाता है, ये प्रीसेट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रीसेट है लो वोल्टेज इंडिकेशन के लिए, हम लो वोल्टेज जितने पे सेट कर देंगे उतने पे इंडिकेशन आ जाएगा इसका, ये प्रीसेट इसका काम लो वोल्टेज इंडिकेशन देने के लिए है। ये जो प्रीसेट है आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम रिपेयर करते हैं इस सेट को, रिपेयरिंग करने के बाद जो कंपोनेंट्स हम लगाते हैं उनके पैरामीटर्स पुराने जो पहले लगे थे उनके बराबर नहीं होते तो हमें वोल्टेज कम प्राप्त होती है, तो हम चाहें तो इसको एडजस्ट करके उस वोल्टेज को रिक्वायर्ड वोल्टेज तक हम बढ़ा सकते हैं। इसमें मुख्यतः खराबी आने का कारण ये है कि जैसे एमओवीआर है, एमओवीआर जब शॉर्ट सर्किट के केस में ये क्या होता है कि ये ओपन हो जाता है, सर्किट ब्रेक कर देता है सर्किट, यह शॉर्ट होके एमओवीआर शॉर्ट होके जब शॉर्ट हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है जिससे कि एसी इनपुट इसमें इंट्री नहीं कर पाती, ये सेफ बच जाता है। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो हम दिखा रहे हैं सीरीज में लगा हुआ है, जब लगातार ओवर वोल्टेज आ रही है मतलब 230 वोल्ट से लगातार ऊपर ओवर वोल्टेज आती है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट ये रेक्टिफायर है, चारों रेक्टिफायर है, इनमें से कोई खराब हो सभी खराब हो सकते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। शॉर्ट हो सकता है, फिल्टर कैपेसिटर भी ओपन या शॉर्ट हो सकता है, ज्यादातर आपने देखा होगा ये फूल जाता है या बर्स्ट हो जाता है जो भी है, या वैसे इसको निकाल के सर्किट हम चेक कर सकते हैं खराब है कि सही है। इसके बाद हमारे पास ये एसएमपीएस कंट्रोल आईसी है और इसको भी हम चेक कर सकते हैं, इसका टीओपी, इसका नंबर टीओपी 234 है, इसके पैरामीटर्स हम इसके डिटेल से हम जान सकते हैं कि कौन से पिन पे क्या मिलेगा जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट का ये रेक्टिफायर है, ये खराब हो सकता है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हम चेक करते हैं लेके कॉन्टेक्ट या डायोड चेक करते हैं हम। कई बार ऐसा देखा गया सब कुछ ओके है लेकिन रिले के कॉन्टेक्ट नहीं बन रहे, रिले भी खराब हो सकती है या रिले के कॉन्टेक्ट में कोई दिक्कत आई है, तो हम रिले भी चेंज करने से हमारा ये एसएमपीएस ठीक हो जाता है। रिले को चेक करने के लिए अक्सर हम जब बैटरी लगाते हैं इसमें कट की थोड़ी सी आवाज आती है,
ये भी होता है, या रिले पे कोई डस्ट आ गई, कार्बन आ गया, तो भी ये प्रॉपरली काम नहीं करती है। हम रिले को चेक करते हैं और चेंज करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक 12 वोल्ट 7 एच का बैटरी SNPS बैटरी चार्जर जो कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए WSC को सप्लाई देने के लिए लगाते हैं, इसका एक सामान्य सा संक्षिप्त विवरण है। धन्यवाद।